वही चांदी से हरिपुर जा रही टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटी, 3 लोग घायल। फरहनपुर से धंडेहा के बीच की घटी घटना। मिली जानकारी के अनुसार चांदी थाना क्षेत्र के नरही चांदी गांव के रहने वाला विजय राम अपने बहनोई के गांव हरिपुर से श्राद्ध कर्म में शामिल होकर अपने गांव नरही लौट रहे थे। तभी बीच रास्ते में फरहनपुर धंडेहा के बीच एक सड़क पर आए बच्चा को बचाने के क्रम में ऑटो चालक ने संतुलन खो दिया, जिसके चलते ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें सवार विजय राम, उनकी भाभी, पत्नी और बच्चा घायल हो गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जहां सबका इलाज चल रहा है। ये कैसे क्या हुआ है, क्या घटना घटा है? हरिपुर से आ रहे थे टेम्पो में। हाँ, कहाँ जा रहे थे? नरवीरपुर। अच्छा, वही आ रहे टेम्पो करोट हो गए थे, 2 आदमी की चोट लग गई है। हमारे गोदी में हल्का पड़ गया, कोई ठीक नहीं। मतलब कैसे एक्सीडेंट हुआ? लड़का के बच्चा में। क्या नाम है आपका? अरभा देवी। कहाँ रहती है? नरवीरपुर। कौन सा नाम है? चांदी। ये कैसे क्या घटना घटा है, क्या हुआ है? टेम्पो पलट गया है। कहाँ? वही फरहनपुर। ये कहाँ से कहाँ आ रहे थे? जमालपुर से हरिपुर से नरवीरपुर। कितना आदमी था टेम्पो में? 4 आदमी। कितना लोगों को चोट लगा है? 2 आदमी। आप भी उस टेम्पो में थे? हाँ। और बाकी लोग ठीक हैं? सब ठीक। क्या नाम है आपका? विजय। कहाँ रहते हैं? वेरी चंद। कौन सा नाम है? चांदी में।